सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सुबह के बज चुके हैं 7। भाइयों, मैं पहुंच चुका हूं अपने फार्म पे रोजाना की तरह। तो यह है भाइयों, देखो जैसे फार्म की कंडीशन यह है। रात में फार्म से मैं खुद 2 बजे या 1:30 बजे मैं खुद घर गया था। मैंने टाइम नहीं देखा था क्योंकि मेरा उस टाइम पर फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। और मैंने अपने फार्म पर उस टाइम पर हमारे फार्म पर सिर्फ 2 बुखारी थी, एक इधर वाली एक उधर वाली, उस सामने वाली। तो उसके बाद जैसे रात को थोड़ा ठंड जैसे बढ़ने लगी, मैंने 1 बुखारी और जलवाई, उसके बाद मैं घर चला गया। तो अभी जो है बच्चे की कंडीशन अभी आप देख सकते हैं। और अभी मैं बच्चे को बुलाता हूँ, देखिए कितनी तेज़ी से बच्चा मेरे पास आना चाहिए। अगर बच्चा एक्टिव होगा, अगर लूज़ होगा होगा तो थोड़ा सा देर लगाएगा। देखिए दोस्तों, सारा बच्चा मेरे पास आके झुंड बना चुका है। इसका मतलब लगभग ओवरऑल परफॉर्मेंस एक दिन की सही है। और क्योंकि अभी बच्चा ऐसा है, थोड़ा ठंड भी, ठंड का टाइम भी है, तो झुंड बना के बैठा हुआ है, तो उसको ठंड लग रही होगी थोड़ा, इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये झुंड बना के बैठा हुआ है। ये अभी यहाँ पर ठंड लग रही होगी तो इसलिए ये बच्चा आया है मेरे बुलाने पर। और दोस्तों, जैसे रात में जिस टाइम पे पानी लगाया था, मैंने आपको बताया था कि जो रात का पानी होगा वो 11-12 बजे लगेगा, वही 11-12 बजे के टाइम पे हमने पानी लगाया था। और वहीं क्या कहते हैं, पानी लगाने के बाद मैंने पानी में जो दवाई डाली वो नियोडॉक्स और ईकेयरसी हर्बल डाली। 200 लीटर का हमारा ड्रम है, हमने फुल ड्रम भरा और डब्बे, पौने डब्बे हमने पूरे कर दिए थे। और अभी डब्बे लगभग कुछ डब्बे ऐसे हैं खाली हो चुके हैं, कुछ डब्बे ऐसे हैं जिनमें अभी थोड़ा बहुत पानी है, कुछ डब्बे ऐसे हैं जो आधे आधे हो रखे हैं। तो अंदाजन ये 9 बजे तक का ये सारा पानी खत्म पी जाएंगे मेरे हिसाब से। और नहीं भी पियेंगे तो 9 बजे हम क्या करेंगे, जो जितना पानी पी भी रखा है इसको अगर आधा आधा लगभग प्लेटों में बच जाएगा तो हम इन डब्बों को धुलवा के इसमें गुड़ का पानी लगवा देंगे। और जो हम रोजाना 3 दिन में जो हम दवाई देते हैं कंटिन्यू, वो हम चलाएंगे। और दोस्तों, जैसे रात में थोड़ा सा ज़्यादा ठंड होने लगी थी क्योंकि हमारा जो था ये साइड की पन्नी लगी हुई थी, छत बनी हुई थी नहीं, और थोड़ा बहुत ठंड लगी रही थी क्योंकि ठंड मुझे खुद लग रही थी। तो मैंने महसूस किया कि इनको भी ठंड लग रही थी बच्चों को, क्योंकि बच्चा झुंड बना रहा था। तो बुखारी जब जलाई, उसके बाद जब मैंने बच्चों के पाँव पर हाथ लगाया तो किसी किसी के पाँव ठंडे हो रहे थे, और जो हमारी ये थी भूसी थी कहीं कहीं पर ये भी खुद ठंडी जैसी थी। तो उस चक्कर से मुझे थोड़ा सा टेंशन हुई कि बच्चा कहीं ठंड ना पकड़ जाए इस चक्कर से। और उसके बाद जब बुखारी जलाई तीसरी वाली, उसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल आ गया था। बुखारी जलाने के बाद दोस्तों, हमने अपने फार्म पे, जो हमारे फार्म पे ये चिक्स आने वाले डब्बे होते हैं जिस पर डब्बा बच्चा आता है, वो हमने इस टाइप से करके अपने फार्म पर रख दिए। इस पर क्या होता है कि दोस्तों, बच्चा बैठता है और बच्चे की मॉडलिटी नहीं होती है। ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। हमने ये कम से कम 10-11 डब्बे हमने इस टाइप से रख दिए अपने फार्म पे, जिससे कि बच्चा इसी पर बैठा रहेगा और जो बच्चा होगा इसके चारों तरफ बैठेगा, और जैसे कि एक झुंड जैसा नहीं बनाएगा, एक के ऊपर नहीं, एक नहीं चढ़ पाएगा इसमें। आप देख, जैसे कि देख सकते हैं ये इसमें बैठा, का थोड़ा बहुत बच्चा इसमें बैठा है, थोड़ा इसमें बैठा हुआ है, और अभी इसमें देख लीजिए आप, ये देखिए एक के ऊपर एक बच्चा चढ़ा हुआ नहीं। ये बेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा बहुत दाना इसमें डाल दीजिए आप और बच्चे को इसमें छोड़ दीजिए। मीन्स इसको साइड से काट के, चारों तरफ से काट के इसको ऐसे बना सकते हैं आप। मैंने काफ़ी बनाए अपने फार्म पे, बच्चा एक के ऊपर एक नहीं चढ़ा हुआ है, बच्चा बढ़िया बैठा हुआ है। जितने बच्चे बॉक्स में आते हैं उतने ही बैठ पाएंगे, और इस टाइप से साइड में झुंड बना के बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी जो रात की दवाई और मेरा रात का जो मैंने इसमें फार्म पर काम किया हुआ था, जिस टाइप से मैंने क्या क्या मैनेजमेंट किया मैंने आपको बता दिया है। अभी जो हमारा सुबह का लगेगा दवाई का पानी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे फार्म की क्या मॉडलिटी है और जब गुड़ का पानी लग चुकेगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहें। हम अपने फार्म पे जो है, जो भी हमारी कल सुबह से अभी सुबह तक का, यानी 24 घंटे की जो भी मॉडलिटी है, कल सुबह से नहीं कह सकते हैं उसको, हम कल दिन में 12 बजे से, लेकिन एक कल का दिन तो पूरा ही मानेंगे, लेकिन अब 12 घंटे की हम मॉडलिटी अपनी उठाएँगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे फार्म पर क्या मॉडलिटी है, एक 12 घंटे की नहीं, 24 घंटे की। तो दोस्तों, ये थी मेरे जो कल दिन में 12 बजे सबसे बच्चा आया और अब तक की मॉडलिटी, जिसमें कि एक बच्चा
इसको पता नहीं किसने काट लिया, क्या हुआ। एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ बच्चे की दोस्तों कल से अभी तक की मॉडल टी है फार्म पे, और जिसमें कि दो बच्चे तो कल जब बच्चा आया था उसके उनके जाने के बाद आधे घंटे बाद ही निकल गए थे दो बच्चे, और छह बच्चे दो थे उसके बाद के हैं। तो ये है मेरे डे वन की पूरी वीडियो, और इसमें अब यहीं से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ डे सेकंड की। और अब हमारा ये जो पानी है ये धीरे धीरे पानी भी ख़त्म होने को है, मतलब है ही अभी डब्बों में वैसे तो, लेकिन यह है कि अभी अगर प्लेटों प्लेटों में जितना होगा इसको हम सारा धो के डिस्कार्ड कर देंगे, उसके बाद हम इसमें गुड़ का पानी चला लेंगे। गुड़ का पानी दोस्तों जैसे हमने कल बनाया था वैसे ही बनाया है आज भी, और एक बाल्टी में पानी गर्म होने को रख दिया है। एक बाल्टी पानी गर्म हो जाएगा उसमें अजवाइन डाल रखा है, अजवाइन डालने के बाद अभी सोडा डाल देंगे उसमें, सोडा थोड़ा सा झाग जैसा बना लेता है तो हमने सोडा लास्ट में डालने की सोची है, अभी नहीं डालने की सोची है तो उसको हम लास्ट में डालेंगे। और हमने गुड़ पानी में भिगो के रख दिया है, गुड़ भी भीग जाएगा गल जाएगा और उसके बाद हम उसको लगा देंगे। दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहती है मेरे फार्म पर स्थिति। एक बार हम बच्चे को दोस्तों बुला के देखता हूँ बच्चे के अंदर एक्टिवनेस अभी भी है या नहीं है। चलो 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 बस बस दोस्तों ये है फिर मेरी आज की वीडियो, अभी मैं गुड़ का पानी लगाता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों जहाँ जहाँ अपना बच्चा बैठता है, जहाँ जहाँ बुखारी रखी हुई है वहाँ पर के सारे डब्बे लगभग पानी के ख़त्म हो चुके हैं, और जहाँ बच्चा बैठा नहीं था बिल्कुल भी वहाँ के बिल्कुल भी मतलब पानी के डब्बे बहुत ना के बराबर ख़त्म हो रखे, जैसे कि वो कोने के डब्बे हैं उधर के दो तीन डब्बे हैं, वो दो डब्बे हैं जिनको पानी बिल्कुल अभी टस से मस, थोड़ा बहुत बच्चा वहाँ पर है वो पी रहा है अभी। और ये देखिए ये डब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है, ये डब्बा बिल्कुल खाली होने को है, वो डब्बा थोड़ा बहुत पानी उसमें बचा, वो डब्बा स्टार्टिंग में बच्चा वहाँ बैठा नहीं था वहाँ वो डब्बा पूरा भरा हुआ है, और यहाँ बीच बीच के सारे डब्बे खाली हो चुके हैं पानी के, और कोने कोने के जो हैं जहाँ बच्चा नहीं बैठता है वहाँ पर डब्बे अभी भरे हुए हैं। दोस्तों गुड़ इस ड्रम में भिगो रखा है, और अभी देखिए आप ये गुड़ का पानी है, देख सकते हैं काला काला हो रहा है, थोड़ा बहुत गल गया है तो काला हो रहा है। ये है अजवाइन का पानी, पानी रॉड लगा रखी है गर्म होने को, और इसी में अजवाइन का पानी इसी में उबल जाएगा और ये गर्म हो जाएगा, तो लास्ट में इसमें मिला देंगे हम सोडा। और ये हमारे फार्म पे जो बुरादा आ रखा है ये है, जो अब बच्चा आगे को बढ़ेगा वो इस बुरादे में बढ़ेगा आगे को, हमने इस पहले ही इसका बुरादे का इंतजाम कर लिया हुआ है, क्योंकि कभी भी हो सकता है बच्चा आगे को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चा जब घना हो जाएगा आज ही देखिए हो सकता है एक पिलर बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, अगर आज ना बढ़ाएं तो कल तो एक पिलर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दोस्तों ये गुड़ का पानी बन चुका है, एक ड्रम फुल पानी बना है, और यहाँ पर दवाई का पानी ये मेडिसिन जो है एजिथ्रोमाइसिन इसका पानी बन गया है, अभी हम इसको फार्म पर लगाते हैं अपने बच्चों में। दोस्तों गुड़ का पानी लगाना स्टार्ट कर दिया भैया ने, जैसे आप देख लीजिए जो पानी है जो कल शाम का पानी लगा हुआ था उनको हम डब्बे धो के, दोस्तों कल शाम का जो पानी लगा हुआ था वो हमने डब्बे धुलवा के अब हमने गुड़ का पानी लगवाना स्टार्ट कर दिया, और आधे आधे डब्बे लगभग गुड़ के पानी के हमने स्टार्ट कर दिए लगाने, अभी इधर को सारे डब्बे धुल गए हैं इतने, इन पर गुड़ का पानी पड़ जाएगा। और हमने आज अपने सामने की जो पन्नी है ये भी खोल दी है, क्योंकि दिन में के टाइम पर बहुत गर्मी हो रही है फार्म पे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो रात के टाइम पर लगा लेंगे, वैसे पड़ेगी नहीं क्योंकि हमारे पास तीन तीन बुखारी हैं, बुखारी हमारे पास एक और है, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। और एक साइड की पन्नी जो है हमने अभी नहीं खोली हुई है क्योंकि वहाँ से थोड़ा ठंडा हवा आती है, तो बच्चा बिल्कुल फैल के बैठा हुआ है, अब गर्मी है इस तरफ को तो बच्चा बैठा नहीं है बिल्कुल, उस तरफ को बैठा हुआ है और बहुत फैल के बैठा हुआ है बिल्कुल आराम से। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताएँ, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।